आप लोग जब भी वनडे एग्जाम या एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विस का पेपर हो, आज से 4 से 5 साल कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आप लोग, उसमें आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरह के, जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं, दिवस मनाए जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। वनडे एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। तो इसमें हम लोग इनकलाब उत्सव में आपके स्थायी आंकड़े बता देते हैं और अस्थायी आंकड़े आपके करंट में बता दूंगा, ठीक है? यानी कि कहने का मतलब है कि जो कभी नहीं बदलेंगे वो आंकड़े हम लोग, जैसे जनवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस देख चुके हैं, फरवरी के भी, आज हम लोग मार्च के देख लेते हैं। और जो अस्थायी आंकड़े, कहने का मतलब है कि जैसे इनकी जो थीम रहती है, अब आप सोचिए 2021 में जो मनाए जाएंगे उनकी थीम अलग होगी, 2022 में जो मनाए जाएंगे उनकी थीम अलग होगी कई दिनों की, तो उन्हें हम लोग करंट में अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? यहाँ केवल स्थायी आंकड़े देखेंगे। और याद रखिए, आपके वनडे एग्जाम कहने का मतलब कि यूएसएससी, बैंक, रेलवे या कहीं का दरोगा किसी स्टेट का, या पुलिस या टीचर, इस तरह के जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए हम लोग मार्च के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, देख लें, ठीक है? तो 1 मार्च को क्या मनाया जाता है? अगर आपसे पूछिए कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 1 मार्च को, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उम्र, त्वचा का रंग, कामुकता और राष्ट्रीयता, लिंग, जातीयता आदि सभी के आधार को बढ़ावा देने हेतु हर हर साल शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। आज आप लोग देखते हैं ना कि आरक्षण पर मुद्दा छिड़ा रहता है। देखिए, जो पढ़े लिखे हैं मुझे लगता है वो बेहतर जानते होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने संविधान पढ़ा है, वो लोग मुझे लगता है इन पर, इस तरह के मुद्दों पर बेहद बहस नहीं करते होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। आप लोगों को ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना चाहिए, समझ रहे हैं? और इसीलिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि जो दबे कुचले लोग रह गए या महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आप सोचिए कि महिलाओं से कितना भेदभाव किया जाता था, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाता था। तो आप सोचिए, एक तरह से भेदभाव है या नहीं? अभी भी तो आप देखते हैं भेदभाव है या नहीं है। तो जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं हो जाता है तब तक आरक्षण खत्म करना मुमकिन नहीं है। तो शून्य भेदभाव दिवस एक तरह से इसी तरह का दिवस है, और 1 मार्च को मनाया जाता है। कब? 1 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? फिर है आपका विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस ये आप देखेंगे 3 मार्च को। किस कब? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर 2013 को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मनुष्यों में जानकारी जागरूकता के लिए माया 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने का निर्णय किया गया था, और 2013 के बाद हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए, ये इसकी घोषणा हो चुकी थी 2013 में, लेकिन मनाना हुआ था इसका पहला 2014 में, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं दिसंबर 2013 को इसकी घोषणा हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि मार्च तो निकल चुका होगा, तो 2014 में मनाया गया था। 1 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है आपका, ये भी कई बार पूछ लेता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये भी कई बार पूछ लेता है, तो ध्यान दे लेना थोड़ा, ठीक? 3 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, उस पर भी बता देता हूं। तो याद रखना, विश्व विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है? विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हेयरिंग डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? या मनाते हैं 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को, ठीक है? ये भी कई बार क्वेश्चन बन गया। धूमपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? ये आप देखेंगे 9 मार्च को। धूमपान निषेध दिवस कब मनाते हैं? 9 मार्च को।
सिगरेट, बीड़ी आदि से कैंसर होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है तथा इससे व्यक्ति की जान जा सकती है। धूम्रपान को रोकने एवं धूम्रपान से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता करने बढ़ाने के लिए यह दिवस का आयोजन करते हैं। एक बात और याद रखिए आप लोग, आप लोगों ने देखा होगा गुटखा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, उसके लिफाफे पर आपने देखा है चेतावनी दी गई है। और एक तरह से आप सोचिए कि कहा गया है कि कैंसर होता है और आप सोचिए उस पर चित्र भी बना दिए गए, फिर भी लोग मानते नहीं है, बराबर खाते हैं, बराबर पीते हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आप सोचिए कि आपसे कहा जा रहा है कि आगे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे और फिर भी आप जानबूझ कर नहीं ना पढ़े हैं, या आपसे कह दिया जाए कि आगे कुआ है वो अच्छे से चलना, या कह दिया जाए कि गड्ढा है आगे सड़क पर, इस सड़क पर गड्ढे गड्ढे हैं और फिर भी आप तेज बाइक चलाएं तो क्या होगा, समझ रहे हैं? तो ये हाल है। फिर चलते हैं आगे हम लोग। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। कब? 10 मार्च को। विश्व गुर्दा यानी कि किडनी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व गुर्दा दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखना 10 मार्च को ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है और 10 मार्च को ही आपका विश्व गुर्दा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 11 मार्च को आप देखेंगे कि मार्च के दूसरे बुधवार को, ठीक है, मार्च के दूसरे बुधवार को धूमपान निषेध दिवस मनाते हैं। ठीक है, 13 मार्च की अगर बात करें तो विश्व रोड रैक दिवस मनाते हैं। विश्व रोड रैक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये देखेंगे आप लोग 12 मार्च को। कब? 12, सॉरी 13 मार्च को, माफ करिएगा, 13 मार्च को। ठीक है, फिर आप देखेंगे 14 मार्च की अगर बात करूं तो 14 मार्च को आप नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार दिवस और PI दिवस भी मनाते हैं, PI दिवस में भी मनाते हैं आपका 14 मार्च को। 15 मार्च की अगर बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च को। याद रखिए इसमें वही लिए गए हैं जो आपके या तो पूछे जा चुके हैं पेपरों में या पूछने की पूरी संभावना है, और बाकी जो नहीं पूछने की संभावना है फिर भी क्वेश्चंस आने की आपको लगता है कि आ जाएंगे, उन्हें भी मैं बताता जा रहा हूँ साथ में, लेकिन आपके PDF में वो नहीं को लिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 15 मार्च 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने अपने संबोधन में प्रथम बार उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया था तथा एफ कैनेडी विश्व के प्रथम नेता जिन्होंने उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया था। याद रखें कि 24 दिसंबर को भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसका कारण 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत ही प्राप्त हुई थी। तो याद रखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च को, और 24 दिसंबर को भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। भारत में आप लोग जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं वो 24 दिसंबर और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। ठीक है, एक और बात याद रखिए, जब तक आप राज्यसभा और लोकसभा में रहेगा तो वो बिल कहलाएगा यानी कि विधेयक कहलाता है। जैसे ही उसकी उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो अधिनियम में बदल जाता है। ठीक है, फिर आपसे पूछे अगर कि 15 मार्च को ही आपका विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 मार्च को विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, 16 मार्च को। 16 मार्च को विश्व मांस बहिष्कार दिवस कब मनाते हैं, विश्व मांस बहिष्कार दिवस ये 18 मार्च को। कब? 18 मार्च को। 18 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, आयुध निर्माण दिवस। कौन सा? आयुध
निर्माण दिवस, ये भी 18 मार्च को ही मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि 20 मार्च को, तो विश्व कविता दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व गौरैया दिवस भी आपका 20 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस और विश्व गौरैया दिवस, ये दोनों आपके क्या है, 20 मार्च को। एक और 20 मार्च को दिन मनाया जाता है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व बैंक के लोगों के लिए वर्ष 2000, विश्व के लोगों के लिए 2013 में 20 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया था। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से खुश रहने के लिए, आपसे भी तो कहा जाता है कि आप खुश रहिए, जितने खुश रहेंगे उतना ही आपका दिमाग काम करेगा, सक्रिय भी रहेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए, दुख एक तरह से, अगर दुख रहता है तो आप मतलब बीमार भी पड़ सकते हैं, आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी हर हाल में खुश रहना सीखिए, समझ रहे हैं। और दुख रहने से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई मदद करेगा दुख को, और देख के लोग हट जाएंगे। कहते हैं ना कि खड़े हुए घर की, यानी कि मजबूत घर खड़ा हुआ है तो उसे कोई हाथ नहीं लगाता है, जैसे ही घर गिरता है तो उसकी लोग ईंट भी उठा ले जाते हैं। तो आप उस मकान की तरह खड़े रहिए, गिरिए मत। तो 20 मार्च को आप क्या क्या मनाते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, विश्व कविता दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 21 मार्च के दिन। तो 21 मार्च को क्या क्या, विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस, विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस, विश्व वन दिवस 21 मार्च को ही, विश्व कविता दिवस, ये आप देखेंगे आपका 21 मार्च को भी मनाया जाता है। देखिए कभी ये क्या रहता है कि कभी आपका 21 मार्च को पड़ जाता है, कभी 20 मार्च को, विश्व कविता दिवस, ठीक है। फिर आपका 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस, विश्व वन दिवस और विश्व रंग भेद उन्मूलन दिवस, ये 21 मार्च को आपके मनाए जाते हैं, ठीक है। कब, 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस के बारे में बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र ने सिंड्रोम के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को 21वें गुणसूत्र के त्रिगुणात्मकता की विशिष्टता को इंगित करने के लिए चुना गया था, जो डाउन सिंड्रोम के कारण बनता है। ध्यान दें कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक बीमारी है और जिसके कारण व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक विकास में देरी होती है। तो कई बार पूछ लेता है कि डाउन सिंड्रोम किस तरह की बीमारी है, तो अनुवांशिक बीमारी है। यहाँ आप लोगों को, अगर सर्च कर सको, अगर आपको किसी को मालूम है इसमें से, तो विश्व कविता के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको नीचे लिखना है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा अच्छे से विस्तार से आप लोग लिखिए। और आप भी क्या कर सकते हैं, आप लोग जब भी देख रहे हो इस क्लास को, उस साल के आप लोग थीम लिखते रहा करिएगा नीचे, तो क्या रहता है कि अपडेट होते रहते हैं। और जो भी हमारे दोस्त आते हैं, आपके भी परिवार के मेंबर आते हैं, तो वो सभी हम लोग देखते रहेंगे वो लोग, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम लोग विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को, 22 मार्च को, यानी कि जल की एक तरह से महत्व बताने के लिए कि जल का कितना महत्व है, पर भी आप देख रहे हैं कि जल की कोई कीमत हम लोग नहीं समझते हैं, समझ रहे हैं। कहीं नल नल खोल के हम लोग मंजन करते रहते हैं घंटे भर, कभी देखा होगा आपने कि रेलवे स्टेशन पर पानी बह रहा होता है, और कोई बंद कर दे अगर इस तरह की सुधारने लगे तो लोग उसे बेवकूफ समझने लगते हैं, मतलब आप खुद नहीं चल रहे हैं और दूसरे को भी नहीं चलने दे रहे हैं। तो मैं तो इतना जानता हूं कि ये दुनिया जो नीचे वाले हैं इनसे नहीं डरना है आपको, अगर डरना है अपने कर्मों से तो ऊपर वाले से डरिए, क्योंकि नीचे वालों की औकात इतनी है सिर्फ कि आप अगर सक्सेस रहे तो ये सब आपके पीछे, और आप अगर एक बार फेलियर हो जाए तब आप साथ भी मांगेंगे तब भी साथ नहीं मिलेगा। एक फेमस कहावत है कि ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन हकीकत ये है भाई कि ये दुनिया तलवे चाटती है, आपको इतना ताकतवर होना चाहिए कि चटवाने लगे, क्योंकि इनकी औकात कुछ नहीं है, आप खुद जानते हैं हकीकत क्या है समाज की। लेकिन तो मैं ऊपर वाले के कर्मों से डरिए और इंसानियत मानवता रखिए अपने, और आगे बढ़ते रहिए, इनके फालतू के लोगों में नहीं बीतना है आपको कभी भी, ठीक है। एक दोस्त की बताता हूं मैं, हकीकत है ये।
कि वो जिंदगी में सक्सेस नहीं हुआ, मतलब वो कुछ नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया कि ठीक है परीक्षा में देखिए होता रहता है ना, सक्सेस होना ना होना ये अलग बात है। तो उसने क्या किया कि उसने मुर्गी पालन, पशु पालन, भैंस पालन, उसने सुअर पालन करवाया। शुरू में लोगों ने उस पर इतने ताने दिए, लेकिन वो मस्त आदमी, उसने किसी की नहीं सुनी कि तुम ऐसा करेंगे बदनामी होती है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उसने किसी की लोग की नहीं सुनी, ना किसी घर परिवार की। आज पता है भरोसा नहीं होगा तुम्हें, आज कम से कम उसकी 1.5 से 2 लाख रुपए, मतलब आप कहिए नेट इनकम, मतलब शुद्ध आय होती है। नौकरी में इतना है कहीं, दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये समाज आप हकीकत यही है कि आपको पैसे की नजर से देखती, सफलता की नजर से देखती। आज वही लोग जो उस पर ताने मारते थे ना, आज वही लोग हाथ जोड़ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, जो भी काम करना है आपको बड़े मन से करना चाहिए, मैं इतना ही कहूंगा। फिर आपका अगर आपसे पूछे कि विश्व वायुमंडलीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को, 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को, ये भी पूछ लिया जाता है, 23 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई, और इसके उपलक्ष्य में विश्व मौसम दिवस है, विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दें कि वर्ष 1951 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन और भौतिकी विज्ञान और परिचालन हाइड्रोलॉजी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन हर साल विश्व क्लाउड एटलस विकसित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय का एकमात्र आधिकारिक विश्व संगठन भी है। 23 मार्च को ही आप देखेंगे कि भगत सिंह शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व भगत सिंह सॉरी शहीद दिवस भी मनाते हैं। 23 मार्च को, 23 मार्च को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। इसमें आपको एक बात और बताऊं, आपसे अगर पूछे कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों शहीद हो गए थे, आपकी फांसी दी गई थी 23 मार्च को, तो कई बार मैंने देखा है कि पेपरों में पूछ लेता है कि दो नाम दे देगा, भगत सिंह, सुखदेव, और कह देगा कि वो तीसरा व्यक्ति कौन था जो इन लोगों के साथ फांसी दी गई थी। तो याद रखना है आपको, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों लोगों को एक ही दिन फांसी हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इसी इन्हीं की याद में शहीद दिवस मनाते हैं। 24 मार्च ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को ही विश्व तपेदिक यानी कि क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी रोग डे मनाया जाता है। क्षय रोग की वैश्विक महामारी को खत्म करने के उपचार के बारे में जानकारी बढ़ाने हेतु हर साल 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। जर्मनी की सूक्ष्म जीव विज्ञानी डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने 24 मार्च 1882 को माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस बासिलस यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, स्वास्थ्य ध्यान दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिन्हित 7 आधिकारिक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। और एक बात और आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी, विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर आपका गुलामी व्यापार पीड़ित स्मरण दिवस, गुलामी व्यापार पीड़ित स्मरण दिवस कब मनाया जाता है, ये आप देखेंगे 25 मार्च को, 25 को, 25 मार्च को। पच्चीस मार्च को ही आपका, आप देखेंगे कि एक और डे मनाया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस, गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। ठीक है, प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय गुलामी के शिकार और दास व्यापार पीड़ितों को स्मरण करने का दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर प्रति वर्ष 25 मार्च को गुलामी के शिकार और ट्रांस
ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार पीड़ितों को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह मुख्यतः अफ्रीकी मूल की जनता द्वारा स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के रूप में भी मनाया जाता है। अंग्रेजों के समय इस तरह की गुलामी व्यापार पीड़ित ये बहुत बुरी हालत थी। आप समझ रहे हैं, रेड इंडियन आप लोग कह देते हैं, वो कहाँ से गए? आप देखते हैं कि तमिल श्रीलंका में है, कई देशों में ऐसे हमारी मतलब मूल हमारे मूल के लोग रहते हैं। वो यहाँ से क्या है कि यहाँ से व्यापार वहां करते थे अंग्रेज, तो उन्हें ले जाया गया वहां श्रम करने के लिए, फिर वहीं रह गए वो लोग। ठीक है, थे हमारे ही भारत के। 26 मार्च को आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 26 मार्च को। ठीक है, फिर आपका विश्व रंगमंच नाटक दिवस यानी कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाते हैं? तो 27 मार्च को आज विश्व रंगमंच या फिर नाटक दिवस या थिएटर दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जीन कॉक्टेव ने 1962 में लिखा गया था। उसके बाद से हर बार 27 मार्च को आयोजित किया जाता है। उद्देश्य यह है कि थिएटर कला का विश्व भर में प्रचार प्रसार करना, और 4 मार्च से एक सप्ताह का 4 मार्च से एक सप्ताह का सुरक्षा अभियान की शुरुआत भी की जाती है, सुरक्षा अभियान की। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 4 मार्च से एक सप्ताह के लिए इस सुरक्षा अभियान की शुरुआत भी होती है। और इनमें एक दो और दिवस बता देता हूं। 29 मार्च को आप लोग आर्य समाज स्थापना दिवस मनाते हैं, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। अगर इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अप्रैल महीने के देखेंगे।